बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग। आज जी मौसम बड़ा ठंडा है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो हम जा रहे हैं बस कहीं घूमने फिरने, मूड बन गया तो चले मैं क्या घूम फिर के आते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये जी इधर आए हम, आज हम गाँव गए हुए हैं तो उधर देखें कितनी प्यारी ये लगे हुए हैं, मतलब घिया लगा हुआ है, ये सारा तम्बाकू है। तो वैसे ही खड़े थे तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो गाँव जा रहे हैं, गाँव वाला घर देखने जा रहे हैं फिर कि कहाँ तक पहुँचा है। बादल बहुत ज़्यादा देखे बने हुए हैं तो रिमझिम रिमझिम सी बारिश हल्की हल्की सी हो रही है। लाहौर में तो तेज़ हो रही थी, इधर आए हैं तो बस हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो बैठे थे मूड बन गया चलो मैं क्या घूम फिर के आते हैं कहाँ जाना है। आज बच्चों को छुट्टी थी तो बाहर निकल आए, अब देखते हैं। इधर आए हैं तो ये देखें जी बुलबुल ने छोटा सा घोंसला रखा हुआ है अपने बच्चों को खाना लेने गई। ये देखें कि बुलबुल के छोटे छोटे बच्चे हैं, नज़र नहीं आ रहे लेकिन वाजिया तौर इधर हर साल बुलबुल बच्चे देती है घोंसले में। तो ये जी हमारा गाँव वाला घर बन रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी लेंटर तक दीवारें पहुँच चुकी हैं। ये मिस्त्री वगैरह लगे हैं, बारिश में ही मिस्त्री हमारे स्लो हैं, काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बन के तैयार होगा फिर मैं आप लोगों को मुकम्मल घर दिखाऊंगी। वो सामने मेरे हस्बैंड साहब बैठे हैं मिस्त्री के पास। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला सबको अपना घर दें, जो बेरोज़गार है रोज़गार दें, जो बेगार हैं घर दें, जुमे का दिन अल्लाह ताला सबको दें। तो ये देखें जी अभी हमारा कम्प्लीट तो नहीं हुआ लेकिन हो रहा है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हो जाएगा। अब्बू को लेने आई हूँ आज ना, अब्बू ठीक नहीं थे तो मैं इसको अब्बू को लेके जाती हूँ दो चार दिन। अब्बू कह रहे ना मैंने इतने दिन नहीं रहना। हाँ जी नहीं रहना, तुसी बोलो अब्बू जी कितने दिन रहना जी? दो दिन। आवे लोग कहते दो दिन रहना, ये तो गलत बात है ना भाई। तो कपड़े वगैरह ले लिए साथ? हाँ जी अब्बू जी कपड़े नहीं नाल लेने? क्यों और तो हमारा कोई भी नहीं है। चले अब हम जाके उधर दिखाएंगे, वो मैं बुक लेके जाने लगी। ये देखे जी मेरी बड़ी बहन के घर अंगूरों की बेल है काफी ज्यादा, ये ना वो जो काला अंगूर होता है वो वाले हैं, काफी ज्यादा माशाल्लाह फल लगा हुआ है। तो बेल भी काफी ज्यादा बड़ी है, बाहर गली तक दूसरे घर में, मतलब के आप ही के घर से दूसरे अब्बू के घर तक बेल गई हुई है। तो अंगूर लगे हैं तो कह रहे सिस्टर कह रही थी, कहती आना अंगूर खा जाना। ये देखिए अभी काफ़ी कच्चे भी हैं, ग्रीन वाले भी हैं और हो गए हैं कुछ अंदर, बारिश हो गई अब तो बारिशों में ये पक जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब पकेंगे फिर मैं आऊँगी बच्चों को लेके, तब तक छुट्टियाँ हो जाएंगी बच्चों को। यही होती है बस चीज़ें, छोटी छोटी यादगिरी होती है। वैसे आए थे तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। ये देखें ये पूरी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह फल लगा हुआ है। ये घर के अंदर है और घर के बाहर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो गली के मतलब कि दूसरी तरफ गई हुई है सारी अंगूरों की बेल ना। तो वैसे मेरा मूड दिल किया तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ, ये घर में हो सकती है लोग लगाते हैं तो इस हमने भी लगा ली। ये ले जी आप अब्बू को लेके जा रहे हैं, मौसम बारिश हो रही है तो अब्बू को बैठाने लगे हैं। तो अब्बू साहब कह रहे हैं कि मैंने रहना नहीं इतने दिन, तो हमने कहा लेने आए तो अब रह भी लेना इतने दिन। तो देखते हैं जी लेके जा रहे हैं, अब्बू बीमार है असल में ना, तो अब्बू से अब अकेले आया जाए नहीं जाता फिर, इसलिए हम लेने आए हैं अब्बू को। और गाँव वाला घर भी देख लिया, अब्बू को भी लेके जा रहे हैं। आप दुआ करें मेरे अब्बू के लिए सब, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दें। ये ले जी वापस जा रहे हैं तो फिर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ये मोटरवे है। तो ये ले जी इधर तो बारिश इतनी तेज़ नहीं है, तो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मोटरवे से जब नीचे उतरेंगे तो उधर से उधर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ उधर की क्या सूरत हाल है। तो मेरे साथ रहना, मेरी वीडियो पूरी देखना। मैंने आप लोगों को दिखा दिया, काफ़ी शोर है बारिश का, तो आप लोगों ने देख लिया। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वॉच करना, देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो जी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जी,
मेरी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आगे, मतलब कहीं काम में कहीं ज़्यादा। चलो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।